तुम तो आए थे राजा बनने के लिए, राजा राज चाहिए ना। ये राज्य मैं तुम्हें दे रहा हूं ध्रुव, तुम ही राजा बनोगे, जाओ तुम राजा हो जाओगे। वो तो कहते ही ना कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम्। ये धन दो प्रकार का होता है, जब धन ठाकुर दे तो उससे घमंड नहीं होता है, और जो धन कदाचित आ जाता है उससे व्यक्ति को घमंड पैदा हो जाता है। और घमंड और पेट ये जब बढ़ता है तो नुकसान के सिवा फिर होता कुछ और नहीं है। इन दोनों का बढ़ना ठीक नहीं है। और जिस पर राम जी कृपा कर देना उस पर तो संसार कृपा करने के लिए तैयार है। उनकी श्री ध्रुव जी महाराज भगवत दर्शन करके लौट करके आ रहे हैं। जब माता पिता को पता चला कि ध्रुव को भगवान मिल गए हैं, ध्रुव आ रहे हैं, तो वे राजा लोग, वे राजा महाराज हाथी घोड़ा लेकर के उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और जब ध्रुव जी पहुंचे तो अपने पिताजी से कहा कि अभी ये घोड़ा हाथी पर बैठने की तमन्ना नहीं है पिताजी, अब तो सिर्फ एक चीज चाहिए। कहा क्या पिताश्री? जिस तरह से मैंने नारायण का दर्शन किया ऐसा अभिराम दर्शन भगवान का जल्दी हो नहीं सकता है पिताजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहां पर एक स्थिति की थोड़ी सी तुलनात्मक समीक्षा कर दे रहा हूं। जब भरत जी महाराज तीर्थराज प्रयाग के धरती पर पहुंचे तो प्रयागराज जिसे भरत जी ने क्या कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, हमें अर्थ और काम इसकी जरूरत नहीं है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। ए तीर्थराज प्रयाग, मेरे ऊपर कृपा करके केवल मेरा मन परमात्मा के श्री चरणों में लगा रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आज प्रहलाद जी महाराज राज्य की कामना से गए थे तपस्या करने, और आज कहते हैं कि मैं घोड़े हाथी पर नहीं बैठना चाहता। ये कितनी विलक्षण और कितनी ऊंची बात है श्री ध्रुव जी महाराज। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि मेरे पुरखों को तार दीजिए, तो भगवान ने कहा त्रिशब्द भी पिता पूता 21 पीढ़ी तर गई बेटा। और ध्रुव जी ने कहा कि आपकी आपके चरणों में राग कहा इसके लिए नहीं आए थे। और कवियों ने बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं, आइए आप आनंद लीजिए थोड़ी देर तक दो चार लाइनों में। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरत जी तीर्थराज से प्रार्थना करते हैं भगवान से कि क्या चाहिए। अर्थ चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म, काम चाहिए कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, ओ अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। कौशल्या
कुमार हमें राम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। भक्त की साधना की असरण सरण नाथ दीन हितकारी, सरण सरण नाथ दीन हितकारी, चाहिए बे प्रभु पाप साफहारी, चाहिए बे प्रभु पाप साफहारी, जान की जीवन पूर्ण काम चाहिए, जान की जीवन पूर्ण काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। संध दया से भारी चाहिए क्षेत्र को दान, संध दया से भारी चाहिए क्षेत्र को दान, संध संध दया से भारी चाहिए क्षेत्र को दान, संत गया से वीर रतनारी चाहिए चित्रकूट काम बिहारी, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, ओ मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए, कौशल्या कुमार हमें राम चाहिए। राम मुझे चाहिए, राम मुझे चाहिए।
महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बना दिया और उत्तानपाद चले गए जंगल। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, बहुत दीर्घ समय तक महाराज ध्रुव जी राज्य की और ध्रुव के बेटे हुए उत्तल और ध्रुव के जो भाई उत्तम थे वो यक्षों से भिड़ गए, यक्षों ने उन्हें मार डाला। यक्षों को जब ध्रुव जी मारने लगे तो इनके परदादा स्वयंभू आकर के इनको समझाए, महाराज स्वयंभू मनु। तब ध्रुव जी मानी। लेकिन एक बात जो विशेषता है, ध्रुव जी इतना राज्य सत्ता इतना अपने जीवन को निर्वाह करने के बाद जब ध्रुव जी की मृत्यु आई, समय आया, तो आकाश मार्ग से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और जब विमान पर ध्रुव जी बैठने लगे तो उसी के एक देवी जी पहुंच गई और हाथ जोड़ी। ध्रुव जी ने कहा तुम कौन हो? कहा महाराज मेरा नाम है मृत्यु और इस धरती पर ये लोक ही मेरे नाम से, इसका नाम है मृत्यु लोक। यहां चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, सबकी एक ही गति, सबको 3.5 हाथ में दफन करना मेरा काम। भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी से कहा कि इनसे कहिए अपना सर नीचे करें। मौत मृत्यु ने जब अपने सर को नीचे किया तो ध्रुव जी मौत के सर पर अपना पांव रख करके और भगवान की शरणागति को प्राप्त कर ली, भगवान को प्राप्त कर गए। इस भागवत को सुनने का उद्देश्य कि हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारी मृत्यु भी मंगलमय हो। यह एक प्रकार की ऐसी कथा है जिससे आपका जीवन और मृत्यु दोनों सुधर रहा है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, को सिंहासन चढ़ चला को जकड़ा जात जंजीर। बस ये आदमी जीवन भर एक कपड़ा खरीदने के लिए जाएगा किसी माल में, इस कंपनी का दीजिए उस कंपनी का दीजिए और जिस दिन ये श्वास निकल जाएगी तो वही 15 रुपए, फिर कोई ब्रांड की जरूरत नहीं रहती है जिसमें लपेटा जाना है। जीवन भर ब्रांड ढूंढने वालों, जिस दिन दफन होगा बिना ब्रांड के ही होगा। इसलिए एक चीज याद रखना, इस धरती पर जो कुछ मिल जाए भागवत कृपा मान लेना, जो कुछ पहनने मिल रहा है, जो कुछ खाने को लिए मिल रहा है, जैसे रहने के लिए मिल रहा है, ये ईश्वर कृपा है। तो मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्राप्त हुई, भगवत प्राप्त हुई। इसके आगे भागवत जी में एक बड़ी विलक्षण कथा आ रही है। और ये तो रहा उत्तानपाद का वंश। इनके एक भाई प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत ने भगवान सूर्य से उनकी ठन गई और एक बात अंत में फिर कहना चाहूंगा, इस स्कंद में महाराज बेन अंग प्रथु का चरित्र है। इसमें जो प्रथु का चरित्र है ये बड़ा महान है।